चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा बचा हुआ था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का ये पार्ट 3 है। ये सेशन चलिए देखते हैं। पहला है हमारा इन्वेंशन, इन्वेंशन है, दूसरा इन्वेंटर है, ईयर है और यूज है। तो इन्वेंटर इन्वेंशन का मतलब आविष्कार, आप लोग जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं, नहीं तो जाकर के देख लीजिए। इन्वेंटर मतलब होता है आविष्कारक, आविष्कारक। उसके बाद ईयर मतलब साल, और यूज मतलब इसका उपयोग क्या है, कहाँ पे हुआ, किस तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम लोग इसके पहले बहुत सारे जान चुके हैं, आज हम लोग जानेंगे एनी एक। और ये सब शॉर्ट नेम है, एनी एक, एनी एडसेक है, ये सब शॉर्ट नेम है, एनी एक, एडसेक, एडवेक और यूनिवेक। ये सब का फुल फॉर्म इसके बाद जो है कि हम लोग आगे देखते हैं। पहले ये देखेंगे कि एनीवेक को जो है जेपी इकॉर्ड ने बनाया था, कब, तो 1946 में। इट वॉज हैज बीन यूज इन प्राइवेट फॉर्म इंजीनियरिंग रिसर्च एंड IBM। यह जो है इसका उपयोग जो है कि प्राइवेट फॉर्म रिसर्च और इंजीनियरिंग के फील्ड में होने लगा था। अब आते हैं एडसेक है। एडसेक ने है कि मैरी विकलेस ने जो है कि 1949 में बनाए थे, यूज फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है कि सॉल्व करने लगा था कौन, एडसेक। जो और उसी समय पहली बार जो है कि 79 जो है कि प्राइम नंबर का खोज हुआ था, और वे कंप्यूटर के माध्यम से खोजा गया था। डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं जो है कि 11th क्लास में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो चैप्टर हम लोग को पढ़ने पड़ता है IAC में। तो यही जो है कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो है कि इसी कंप्यूटर यानी एडसेक के द्वारा बनाने लगा था लोग उस समय। उसके बाद एडवेक है, एडवेक जो है कि जॉन वॉन निमोन ने बनाया था, कब, तो 1950 में। इट वॉज यूज टू कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन के लिए प्रयोग हुआ था, और जॉन वॉन निमोन ने ही कंप्यूटर के संरचना जो है कि बनाए थे, जो आज हम लोग डिजिटल रूप में देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनीवेक। एनीवेक जो है कि जे प्रेसफर और इकार्ट दोनों मिल करके और जॉन मैकली बनाए थे 1951 में। इट वाज यूज्ड टू कमर्शियल फील्ड, और उसके बाद जो है यूनिवेक बना। उसके बाद कंप्यूटर का जो है कि विस्तार बहुत तेजी से होने लगा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे इसका फुल फॉर्म क्या है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके अन्य साथी को भी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो सके और वे अपने आप को एक स्मार्ट करियर बनाने में मदद जो है कि हमारा ले सकते हैं। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके इस चैनल का, जो भी हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।